हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जहां आपको मिलता है हाई प्रॉफिट लो कॉस्ट लेटेस्ट स्मॉल बिजनेस आइडियाज। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल का जो वीडियोस होते हैं वो कोई ना कोई स्मॉल बिजनेस पे बेस करके होता है। मेरे हर पिछले वीडियोस की तरह आज भी मैं हाजिर हूं कुछ नए बिजनेस आइडिया लेकर। तो आज मैं एक नहीं दो नहीं दोस्तों पूरे 60 लाइफ चेंजिंग स्मॉल बिजनेस आइडिया लेकर हाजिर हूं जो आपका लाइफ चेंज कर सकता है। और ये सारे बिजनेस हाई प्रॉफिट है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट है इसका, और इसका मार्केट डिमांड बहुत ही हाई है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम 60 बिजनेस आइडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उनमें से कई सारे है जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, और कुछ है फूड मेकिंग जैसे कि रेस्टोरेंट बेस्ड बिजनेस है कुछ, और कुछ है जो आप घर में बैठ के कर सकते हो होम बेस्ड है। और हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ये जो सारे बिजनेस आइडियाज है, तो इनके जो मशीनें लगते हैं इनके लिए, तो उनका जो प्राइस है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको इसका जो सेटअप कॉस्ट है वो आइडिया मिल जाए उसके बारे में। तो प्लीज दोस्तों, मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखना, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि मेरे अगले वीडियोस आपको मिल जाए। क्योंकि मेरे अगले वीडियोस में मैं डिस्कस करने वाला हूं इन्हीं सारे 60 बिजनेस को अलग अलग से मैं डिस्कस करने वाला हूं और डिटेल में, और इसका जो अप्रोक्सीमेटली सेटअप कॉस्ट है, मार्केट डिमांड है, मशीन प्राइस है, और जो मशीन के जो मैन्युफैक्चरर है उनके एड्रेस, रॉ मटेरियल्स क्या लगते हैं इन्हीं सारे बिजनेसों के, तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मेरे अगले वीडियोस में। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जिस बिजनेस के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं वो है साल लीप प्लेट मेकिंग बिजनेस। और इसके लिए एक मशीन की जरूरत होती है, तो जो साल लीप प्लेट्स एंड बाउल्स मेकिंग मशीन है, तो ये मशीन खरीद के आप अपने घर में भी ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जो मशीन है साल लीप प्लेट और बाउल मेकिंग मशीन, तो ये दो कंडीशन में मिलता है, एक तो मैनुअली ऑपरेटेड और दूसरा मोटर ऑपरेटेड। तो जो मैनुअल मशीन है साल लीप प्लेट मेकिंग, जो मैनुअल मशीन है उसका प्राइस पड़ेगा 12,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, और जो मोटर ऑपरेटेड जो साल लीप प्लेट मेकिंग मशीन है उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 35,000 रुपीज। और इसके लिए अलग अलग डाइस लगते हैं अलग अलग साइज के, तो जो 14 इंच जो डाइस है उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 3,000 रुपीज, जो 10 इंच डाइस है उसका प्राइस पड़ेगा 2,500 रुपीज, और जो 8 इंच का जो डाइस है उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 2,000 रुपीज, और जो 4 इंच का डाइस है जो बाउल के लिए लगते हैं बाउल बनाने के लिए, तो उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 1,500 रुपीज। तो आप डिस्कस करते हैं जूट बैग मेकिंग बिजनेस के बारे में, और ये बहुत ही डिमांडिंग है और नए बिजनेस आइडिया है, लेटेस्ट बिजनेस आइडिया है, और इसके लिए आपको जूट बैग मेकिंग मशीन की जरूरत होगी। तो ये जो जूट बैग मेकिंग मशीन है इसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपीज। अब डिस्कस करते हैं कैंडल मेकिंग बिजनेस के बारे में। तो ये जो कैंडल मेकिंग बिजनेस है, तो इसके लिए आपको कैंडल मेकिंग मशीन की जरूरत होगी, और इसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है तो उसके ऊपर इसका प्राइस निर्भर करता है। तो जो मशीन है 50 से 60 स्मॉल कैंडल्स बना सकता है एक साथ, तो उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 1200 से 3000 रुपया तक, और जो मशीन है 400 से 500 कैंडल्स एक साथ बना सकता है उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 40,000 रुपया। अब डिस्कस करते हैं कैंडल थ्रेड कैंडल विक मेकिंग बिजनेस के बारे में। तो इसके लिए भी आपको एक मशीन की जरूरत पड़ेगी जो है कैंडल विक थ्रेड मेकिंग मशीन, और ये कैंडल बनाने के कैंडल जो वीक है कैंडल बनाने के काम आते हैं। तो ये जो कैंडल थ्रेड मेकिंग मशीन है इसका प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 23,000 रुपीज। अब डिस्कस करते हैं डिटर्जेंट पाउडर एंड डिटर्जेंट केक मेकिंग बिजनेस के बारे में। तो इसके लिए भी एक मशीन की जरूरत होगी आपको जो है डिटर्जेंट पाउडर एंड डिटर्जेंट केक मेकिंग मशीन। तो इसका जो प्राइस है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये जो फाइबर कोटेड जो मिक्सिंग मशीन जो 200 किलो तक डिटर्जेंट पाउडर बना सकता है एक साथ, उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 1,40,000 रुपया।
अब डिस्कस करेंगे चॉक मेकिंग बिजनेस के बारे में। तो इसके लिए भी आपको चॉक मेकिंग मशीन की जरूरत होगी। तो इस मशीन के जो प्राइस है वो इसके जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो जो मशीन 100 चॉक्स अप्रोक्सीमेटली एक साथ बना सकता है उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 1500 रुपया, और जो मशीन एक साथ 200 चॉक्स अप्रोक्सीमेटली बना सकता है तो उसका प्राइस पड़ेगा 3000 रुपया, और जो गन मेटल बॉडी का जो चॉक मेकिंग मशीन है जो 200 चॉक्स अप्रोक्सीमेटली एक साथ बना सकता है तो उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्स 15000 रुपया। अब डिस्कस करते हैं पेपर बैग मेकिंग बिजनेस के बारे में। तो इसके लिए भी आपको एक मशीन की जरूरत होगी जो है ऑटोमेटिक पेपर बैग मेकिंग मशीन। तो इस मशीन के प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 14 लाख रुपीज। तो फ्रेंड्स अब डिस्कस करेंगे स्लीपर हवाई चप्पल मेकिंग बिजनेस के बारे में। तो इसके लिए आपको हवाई चप्पल स्लीपर मेकिंग मशीन की जरूरत होगी, और इस मशीन का जो प्राइस है वो है अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपीज, और जो ड्रिल मशीन लगते हैं तो उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 2,700 रुपीज, और इस मशीन में जो मोटर होता है तो उस मोटर का प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 3,000 रुपीज, और इसके लिए अलग अलग डाइस लगते हैं तो हर डाइस का प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 1,200 रुपीज। अब डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज बुक मेकिंग बिजनेस के बारे में। तो इसके लिए भी आपको एक्सरसाइज बुक मेकिंग मशीन की जरूरत होगी, और इस बिजनेस के लिए आपको कई सारे मशीनों की जरूरत होगी। तो जो 30 इंच मोटर ऑपरेटेड कटिंग मशीन है उसके प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 1,25,000 रुपीज, और जो रूलिंग मशीन लगते हैं तो उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 80,000 रुपीज, और जो स्टिचिंग मशीन लगते हैं उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपीज, और जो काउंटिंग मशीन लगते हैं इसके लिए तो इसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपीज। अब डिस्कस करते हैं बुक बाइंडिंग बिजनेस के बारे में। ये आप घर में बैठ के कर सकते हो, होम बेस्ड स्मॉल बिजनेस है ये, और इसके लिए आपको मिनी बुक बाइंडिंग मशीन की जरूरत होगी। तो इसके लिए जो बेसिकली आपको दो मशीन की जरूरत होगी, तो एक है मिनी बुक बाइंडिंग मशीन, तो उसका प्राइस पड़ गया अप्रोक्सीमेटली 75,000 रुपीज, और जो पेपर कटिंग मशीन लगते हैं तो उसका प्राइस पड़ गया अप्रोक्सीमेटली 80,000 रुपीज। अब डिस्कस करते हैं स्टेपल पिन मेकिंग बिजनेस के बारे में। तो इसके लिए भी आपको एक मशीन की जरूरत होगी जो है स्टेपल पिन मेकिंग मशीन। ये एक ऑटोमेटिक मशीन है, और इसका इंक्लूडिंग मोटर इसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 1,20,000 रुपीज। तो अब डिस्कस करते हैं दोस्तों ऑटोमेटिक पेपर एनवेलप एंड पेपर बैग मेकिंग बिजनेस के बारे में। तो ये बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो ऑटोमेटिक पेपर एनवेलप एंड पेपर बैग मेकिंग मशीन के साथ। तो ये मशीन आपको दो कंडीशन में मिल जाएंगे, एक तो ऑटोमेटिक और दूसरा मैनुअल। तो जो ऑटोमेटिक एनवेलप मेकिंग मशीन है इसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 1,70,000 रुपीज, और जो हैंड ऑपरेटेड जो एनवेलप मेकिंग मशीन है उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 70,000 रुपीज। अब डिस्कस करते हैं पापड़ मेकिंग बिजनेस के बारे में, और इसके लिए आपको ऑटोमेटिक पापड़ मेकिंग मशीन की जरूरत होगी। तो ये जो मशीन है इसके जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है तो इसके ऊपर इसका जो प्राइस है वो डिपेंड करता है। तो जो मशीन जो ऑटोमेटिक पापड़ मेकिंग मशीन 40 kg तक पापड़ बना सकता है एक साथ, तो उसका जो प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 1,50,000 रुपीज, और जो ड्रायर मशीन लगते हैं इसको सुखाने के लिए तो उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 80,000 रुपीज, और जो मिक्सचर मशीन लगते हैं इसके लिए तो वो मिक्सर मशीन के प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 40,000 रुपीज, और ये मशीन आपको हैंड ऑपरेटेड भी मिलेगा हैंड ऑपरेटेड मोड में, तो उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपीज। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे एक नए बिजनेस आइडिया के बारे में जो है डाई सब्लिमेशन बिजनेस, और ये बिजनेस आप डाई सब्लिमेशन मशीन से कर सकते हो। तो ये जो मशीन है इससे आप टी शर्ट का प्लेट कैप और भी बहुत सारे चीजें जैसे कि टाइल्स की रिंग्स ये सब प्रिंट कर सकते हो, और इसका जो प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 85,000 रुपीज, और एक स्मॉल डाई सब्लिमेशन मशीन है जिसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 35,000 रुपीज।
अब डिस्कस करते हैं पेपर कप्स मेकिंग बिजनेस के बारे में। तो इसके लिए भी आपको एक मशीन की जरूरत होगी जो है पेपर कप मेकिंग मशीन। और ये जो पेपर कप मेकिंग मशीन है इंक्लूडिंग मोटर, इसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 13 लाख रुपीज। अब डिस्कस करेंगे पॉपकॉर्न मेकिंग बिजनेस के बारे में। तो आप ऑटोमेटिक पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन खरीद के ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जो पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन है इसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 12,000 रुपीज। तो फ्रेंड्स आप डिस्कस करते हैं पोटैटो चिप्स मेकिंग बिजनेस के बारे में। तो ये पोटैटो चिप्स बनाने के लिए आपको कई सारे मशीनें एक साथ लगती है। तो जो है पोटैटो पिलर मशीन, तो पोटैटो पिलर मशीन का प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपीज। और जो कटिंग मशीन लगते हैं उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपीज। और जो डीजल ओवन लगते हैं उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 25,000 रुपीज। और जो ऑयल हाइड्रो मशीन लगते हैं उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 25,000 रुपीज। और एक मिक्सर मशीन की जरूरत होगी जिसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 25,000 रुपीज। अब डिस्कस करेंगे कलरफुल हेयर बैंड मेकिंग बिजनेस के बारे में। तो ये जो कलरफुल हेयर बैंड मेकिंग मशीन है इसको खरीद के आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और ये जो मशीन है इसका प्राइस पड़ेगा इंक्लूडिंग मोटर अप्रोक्सीमेटली 60,000 रुपीज। तो फ्रेंड्स अब डिस्कस करेंगे एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस के बारे में जो है रबर हैंड ग्लव्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। और ये बिजनेस आप रबर हैंड ग्लव्स मेकिंग मशीन खरीद के स्टार्ट कर सकते हो। और इसका जो सेटअप कॉस्ट है वो है अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 lakhs रुपीज। आइए आप डिस्कस करते हैं हनी प्रोसेसिंग बिजनेस के बारे में। तो आप हनी प्रोसेस करके उसे बोटलिंग करके या पैकिंग करके मार्केट में सेल कर सकते हो। और हनी प्रोसेस करने के लिए आपको दो मशीन की जरूरत पड़ेगी जो है फिल्टर प्रेस मशीन, उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपया। और जो वैक्यूम एवापोरेटर मशीन की जरूरत होती है उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 1,50,000 रुपया। अब डिस्कस करते हैं इंसेंस स्टिक अगरबत्ती धूप स्टिक मेकिंग बिजनेस के बारे में। तो इसके लिए आपको इंसेंस स्टिक मेकिंग मशीन की जरूरत होगी। ये मशीन भी आपको दो कंडीशन में मिलेंगे, तो जो है पैडल ऑपरेटेड और सेमी ऑटोमेटिक। तो पैडल ऑपरेटेड जो इंसेंस स्टिक मेकिंग मशीन है उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 25,000 रुपीज। और जो सेमी ऑटोमेटिक इंसेंस स्टिक मेकिंग मशीन है उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 75,000 रुपीज। अब डिस्कस करते हैं स्पाइस पल्वराइजिंग बिजनेस के बारे में। तो आप जो स्पाइस पल्वराइजर मशीन है उससे आप स्पाइस पल्वराइज करके उसको पैकिंग करके आप मार्केट में सेल कर सकते हो, ऑर्डर सप्लाई कर सकते हो। तो ये जो स्पाइस पल्वराइजर मशीन है इसके जो प्रोडक्शन पावर है उस पे इसका प्राइस डिपेंड करता है। तो जो मशीन 15 to 18 kg स्पाइस एक साथ पल्वराइज कर सकता है तो उसका प्राइस पड़ गया अप्रोक्सीमेटली 35,000 रुपीज। और जो मशीन 45 to 55 kg स्पाइस एक साथ पल्वराइज कर सकता है तो उसका प्राइस पड़ गया अप्रोक्सीमेटली 80,000 रुपीज। अब डिस्कस करते हैं रसगुल्ला मेकिंग बिजनेस के बारे में। तो ये जो रसगुल्ला है ये तो बहुत ही फेवरेट सबका पसंदीदार एक फूड आइटम है, स्वीट आइटम है। तो ऑटोमेटिक रसगुल्ला मेकिंग मशीन खरीद के आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ये जो ऑटोमेटिक रसगुल्ला मेकिंग मशीन है इससे आप 30 मिनट्स में 5 किलो दही से 200 रसगुल्ले बॉल्स बना सकते हो। और वो रसगुल्ले बॉल्स को आपको शुगर क्रेन जूस में, जो शुगर क्रेन सिरप है उसमें आपको बॉयल करना पड़ेगा और आपका रसगुल्ला रेडी हो जाएगा। तो ये जो ऑटोमेटिक रसगुल्ला बॉल्स मेकिंग मशीन है इसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 2,70,000 रुपया। अब डिस्कस करते हैं लड्डू मेकिंग बिजनेस के बारे में। तो ये बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हो ऑटोमेटिक लड्डू मेकिंग मशीन से। और आपको पता होगा कि लड्डू सबके लिए एक बहुत ही फेवरेट स्वीट आइटम है। तो ये जो ऑटोमेटिक लड्डू मेकिंग मशीन है इसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 2,60,000 रुपया। अब डिस्कस करते हैं स्मॉल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मेकिंग बिजनेस के बारे में। तो ये जो बिजनेस है ये आप स्टार्ट कर सकते हो स्मॉल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मेकिंग मशीन से। तो इस मशीन से आप प्लास्टिक टॉयज, हेयर ब्रश, बोटल्स, मग, ट्रे ये सब बना के डायरेक्टली मार्केट में सेल कर सकते हो या फिर ऑर्डर सप्लाई कर सकते हो।
तो ये जो मशीन है इसके टाइप पर, इसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, इस पर इसका जो प्राइस है वो डिपेंड करता है। तो इसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 10,000 to 60,000 होगा। और जो फुल्ली ऑटोमेटिक स्मॉल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मेकिंग मशीन है उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 5 लाख रुपया। अब डिस्कस करते हैं बॉल पेन मेकिंग बिजनेस के बारे में। ये एक बहुत ही डिमांडिंग और प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया है। तो बॉल पेन मेकिंग मशीन खरीद के आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जो बॉल पेन मेकिंग मशीन है तो इसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 15,000 रुपया। और जहां आप ये मशीन खरीदेंगे तो वही जो मैन्युफैक्चरर है वही आपको नेसेसरी जो ट्रेनिंग है और रॉ मटेरियल्स है तो वो आपको प्रोवाइड करेगा। अब डिस्कस करते हैं नेपथलिन बॉल्स मेकिंग बिजनेस के बारे में। तो नेपथलिन बॉल्स मेकिंग मशीन खरीद के आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जो ऑटोमेटिक नेपथलिन बॉल्स मेकिंग मशीन है इसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 55,000 रुपीज। और इसके लिए डाइस लगते हैं बहुत सारे साइज के। तो ये जो डाइस है तो इसका अप्रोक्सीमेटली इसका प्राइस पड़ेगा 1,000 रुपया। और जो सेमी ऑटोमेटिक पैकेट सिलिंग मशीन है ये आपको खरीदना पड़ेगा पैकिंग करने के लिए, तो इसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपीज। और जो हैंड ऑपरेटेड पैकेट सिलिंग मशीन है उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 1,000 रुपया। अब डिस्कस करेंगे पॉप राइस मेकिंग बिजनेस के बारे में। तो बंगाली में हम उसे मुड़ी कहते हैं। तो ये बिजनेस आप पॉप राइस मेकिंग मशीन खरीद के स्टार्ट कर सकते हो। तो जिस मशीन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो मशीन से आप 300 किलो पॉप राइस पर आवर बना सकते हो। और इसका जो प्राइस है तो इसका साइज और इसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है तो उसके ऊपर इसका प्राइस डिपेंड करता है। तो ये जो मशीन जो 300 किलो पॉप राइस पर आवर बना सकता है इसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 85,000 रुपीज। अब डिस्कस करते हैं हैंड रोटी और रुमाली रोटी मेकिंग बिजनेस के बारे में। ये एक होटल बेस्ड रेस्टोरेंट बेस्ड बिजनेस आइडिया है। तो ये जो ऑटोमेटिक रोटी मेकिंग मशीन है ये खरीद के आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और इसके लिए आपको 3 मशीन एक साथ खरीदना पड़ेगा। एक तो मिक्सर मशीन जो जिसका प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 25,000 रुपीज। और जो लेची कटिंग मशीन है उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपीज। और जो ऑटोमेटिक रोटी मेकिंग मशीन जो मेन मशीन है उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 1,80,000 रुपया। अब डिस्कस करते हैं गजिया भुजिया झूरी भाजा मेकिंग बिजनेस के बारे में। तो ये बिजनेस आप भुजिया मेकिंग मशीन खरीद के स्टार्ट कर सकते हो। तो इसका प्राइस पड़ेगा इंक्लूडिंग मोटर अप्रोक्सीमेटली 32,000 रुपीज। और जो ऑयल एक्सट्रैक्टर मशीन लगते हैं इसके लिए तो इसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपीज। और जो मिक्सिंग मशीन लगते हैं मिक्सिंग मशीन तो उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 15,000 रुपीज। अब डिस्कस करते हैं कॉफी मेकिंग बिजनेस के बारे में। तो ये कॉफी मेकर मशीन खरीद के आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आप अपना खुद का कैफे या फिर कॉफी स्टॉल खोल सकते हो। तो ये जो कॉमर्शियल एक्सप्रेसो कॉफी मशीन है इसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 10 to 12,000 रुपीज। और जो नेस्कैफे कॉफी मशीन है इसका कैपेसिटी भी ज्यादा है तो इसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपीज। आइए आप डिस्कस करते हैं सोडा वाटर और लेमोनेड मेकिंग बिजनेस के बारे में। तो जो सोडा वाटर और लेमोनेड मेकिंग मशीन है ये खरीद के आप अपना खुद का सॉफ्ट ड्रिंक स्टॉल खोल सकते हो। तो ये जो सोडा वाटर और लेमोनेड मेकिंग मशीन है इसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 70,000 रुपीज पड़ेगा। और अगर आप इसको बोटलिंग करके मार्केट में सेल करना चाहते हो तो इसको जो इसके लिए जो बोटल वॉशिंग मशीन है उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपीज। और जो कैप फिलिंग मशीन लगते हैं इनके लिए तो उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 5,000 रुपीज। अब डिस्कस करते हैं आइसक्रीम कोन वेफर मेकिंग बिजनेस के बारे में। तो आइसक्रीम कोन वेफर मेकिंग मशीन से आप आइसक्रीम कोन वेफर बना के आपके वहां जो आइसक्रीम फैक्ट्रीज है जो आइसक्रीम स्टॉल्स है वहां आप इसको ऑर्डर सप्लाई कर सकते हो या फिर सेल कर सकते हो। तो ये जो ऑटोमेटिक आइसक्रीम कोन वेफर मेकिंग मशीन है इसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली
150,000 रुपीज। और जो डाइस लगते हैं इसके लिए तो उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 1,000 रुपीज। अब डिस्कस करते हैं तंदूरी रोटी मेकिंग बिजनेस के बारे में। तो ये ऑटोमेटिक तंदूरी रोटी मेकिंग मशीन खरीद के आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ये बिजनेस एक होटल बेस्ड और रेस्टोरेंट बेस्ड बिजनेस आइडिया है। तो इसके लिए अलग से आपको एक मिक्सर मशीन खरीदना पड़ेगा जो 30 kg मिक्सर एक साथ बना सकता है। उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपीज। और जो ऑटोमेटिक तंदूरी रोटी मेकिंग मशीन है उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 1,00,000 रुपीज। अब डिस्कस करते हैं लस्सी मेकिंग बिजनेस के बारे में। लस्सी मेकिंग मशीन खरीद के ये बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो, अपना खुद का लस्सी स्टॉल खोल सकते हो। और ये जो लस्सी मेकिंग मशीन है इसके बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं और उसका प्राइस भी डिफरेंट है। तो ये जो भारत मशीन टूल्स इंडस्ट्रीज के बनाए हुए जो मशीन है, कैपेसिटी है 50 लीटर, तो इसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 5,000 रुपीज। डिस्कस करते हैं सॉफ्टी आइसक्रीम मेकिंग बिजनेस के बारे में। तो ये सॉफ्टी आइसक्रीम मेकिंग मशीन खरीद के आप खुद का सॉफ्टी आइसक्रीम स्टॉल खोल सकते हो। तो इसके बहुत सारे फीचर्स है इसके, ये जो मशीन है इसके तो अलग अलग प्राइस में अलग अलग फीचर्स में मिलते हैं। तो ये जो वन कलर सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन है स्टील बॉडी का, इंक्लूडिंग फ्रिज, कंप्रेसर और ट्रॉली, इसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 75,000 रुपीज। तो फ्रेंड्स अब डिस्कस करते हैं एस ब्रिक मेकिंग बिजनेस के बारे में। ये बिजनेस है राख से ईंट बनाने का बिजनेस। और ये बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो ऑटोमेटिक एस ब्रिक मेकिंग मशीन खरीद के। तो ये जो ऑटोमेटिक एस ब्रिक मेकिंग मशीन है तो इसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 13,00,000 रुपीज। और जो मैनुअल जो एस ब्रिक मेकिंग मशीन है उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 5,00,000 रुपीज। मेरे अगले वीडियोज में मैं ये जो एस ब्रिक मेकिंग जो बिजनेस है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड अब डिस्कस करते हैं स्टील और आयरन फर्नीचर मेकिंग बिजनेस के बारे में। तो ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कई सारे मशीनें लगेगी। तो ये जो पाइप बेंडिंग, जो हैंड ऑपरेटेड जो पाइप बेंडिंग मशीन है उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 7,000 रुपीज। और जो हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन है तो उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 35,000 रुपीज। और अगर आप ये पाइप बेंडिंग मशीन अगर मोटराइज्ड हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग हो तो उसका प्राइस पड़ेगा 70,000 रुपीज। और जो पाइप कटिंग मशीन लगता है तो इंक्लूडिंग मोटर, उसका प्राइस पड़ेगा 7,000 रुपीज। और जो वेल्डिंग मशीन जो लगते हैं उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 8,000 रुपीज। और जो कंप्रेसर मशीन जो लगते हैं इंक्लूडिंग मोटर, उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 12,000 रुपीज। अब डिस्कस करते हैं नूडल्स मेकिंग बिजनेस के बारे में। तो ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कई सारे मशीनें लगती हैं। तो आइए देखते हैं ये सारे मशीनों की प्राइस कितना है। तो ये जो मिक्सर मशीन लगते हैं इसके लिए तो इसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 18,000 रुपीज पड़ेगा। और ये जो मिक्सर मशीन है ये अगर स्टेनलेस स्टील का है तो इसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपीज। और जो नूडल्स मेकिंग जो मशीन है इंक्लूडिंग मोटर, उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 36,000 रुपीज। और इसके लिए जो बॉयलर मशीन लगते हैं तो उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 8,000 रुपीज। और जो ड्रायर मशीन जो लगते हैं उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 40,000 to 80,000 रुपीज। और जो पैकिंग और सेलिंग मशीन लगते हैं इसको पैक करने के लिए तो उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 1,000 रुपीज। अब डिस्कस करेंगे प्लास्टिक ड्रिंकिंग स्ट्रॉ मेकिंग बिजनेस के बारे में। तो इसके लिए आपको प्लास्टिक ड्रिंकिंग स्ट्रॉ मेकिंग मशीन की जरूरत होगी। तो ये जो ऑटोमेटिक प्लास्टिक स्ट्रॉ मेकिंग मशीन है इसका इंक्लूडिंग मोटर प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 5,00,000 रुपीज। और जो पाइप कटिंग मशीन जो है उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 25,000 रुपीज। अब डिस्कस करते हैं टीन कैन मेकिंग बिजनेस के बारे में। तो इसके लिए भी आपको टीन कैन मेकिंग मशीन की जरूरत होगी। और ये जो टीन कैन मेकिंग मशीन है इंक्लूडिंग मोटर, उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 80,000 रुपीज। और इसके लिए जो एडजस्टिंग जो डाइस लगते हैं उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 5,000 to 7,000 रुपीज।
अब डिस्कस करेंगे उलेन बॉल वाइंडिंग बिजनेस के बारे में। तो इसके लिए आपको उलेन बॉल मेकर मशीन की जरूरत होगी। तो ये जो हैंड ऑपरेटेड उलेन बॉल वाइंडिंग मशीन है, इसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 7,000 रुपीज, और जो मोटर ऑपरेटेड उलेन बॉल वाइंडिंग मशीन है, इसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 15,000 रुपीज। अब डिस्कस करेंगे थ्रेड रोल मेकिंग बिजनेस के बारे में। तो ये जो थ्रेड मतलब धागा होता है, तो उसका जो रोल होता है वही बनाने का बिजनेस है ये। तो इसके लिए आपको थ्रेड रोल मेकर मशीन की जरूरत होगी, और ये जो थ्रेड रोलिंग जो मशीन है उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 7,000 रुपीज, और जो मोटर लगता है इसके लिए उसका प्राइस अलग से, तो उसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 2,500 रुपीज। अब डिस्कस करेंगे सर्जिकल बैंडेज मेकिंग बिजनेस के बारे में। तो जो सर्जिकल बैंडेज मेकिंग मशीन है वो खरीद के आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जो सर्जिकल बैंडेज मेकर मशीन है इंक्लूडिंग मोटर, इसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 80,000 रुपीज, और जो कटिंग मशीन लगते हैं तो उसका प्राइस पड़ेगा इंक्लूडिंग मोटर अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपीज। तो आइए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं ब्लाउज हुक मेकिंग बिजनेस के बारे में। तो ये जो ब्लाउज हुक मेकिंग मशीन है, इसको खरीद के आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और जो शार्ट हुक ब्लाउज हुक ये सब है, ये बना के आप मार्केट में ऑर्डर सप्लाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो ये जो मशीन है, तो इसका प्राइस पड़ेगा इंक्लूडिंग मोटर अप्रोक्सीमेटली 1,50,000 रुपीज। तो फ्रेंड्स, अब डिस्कस करेंगे कॉलर एंड कप प्रेस बिजनेस के बारे में। तो ये जो कॉलर एंड कप प्रेसिंग मशीन है, इसको खरीद के आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जो मशीन है, इसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 40,000 to 1,00,000 रुपीज। अब डिस्कस करेंगे ऑयल प्रेस और ऑयल एक्सपेलिंग बिजनेस के बारे में। तो ये जो ऑयल एक्सपेलर मशीन है, इसको खरीद के आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो इसके अलग अलग जो स्पेसिफिकेशंस है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसके ऊपर इसका जो प्राइस है वो निर्भर करता है। तो जो 4 बोल्ट्स जो ऑयल एक्सपेलर मशीन है, उसका प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 80,000 रुपीज। जो 6 बोल्ट्स ऑयल एक्सपेलर मशीन है, उसका प्राइस है 1,20,000 रुपीज। जो 9 बोल्ट्स का जो ऑयल एक्सपेलर मशीन है, उसका प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 1,50,000 रुपीज। और जो 10 हॉर्स पावर का मोटर लगता है, उसका प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपीज। और जो फिल्टर प्रेस मशीन की जरूरत होगी, उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली इंक्लूडिंग मोटर अप्रोक्सीमेटली 55,000 रुपीज। अब डिस्कस करेंगे स्प्रिंग मेकिंग बिजनेस के बारे में। तो ये बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो ऑटोमेटिक स्प्रिंग मेकिंग मशीन के साथ। तो ये जो स्प्रिंग मेकिंग मशीन है, ये अगर फुल्ली ऑटोमेटिक है, तो इसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 1,50,000 रुपीज। और अगर सेमी ऑटोमेटिक कंडीशन में खरीदोगे आप, तो इसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपीज। और अगर ये मशीन हैंड ऑपरेटेड कंडीशन में आप खरीदेंगे, तो इसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपीज। तो आइए दोस्तों, आप डिस्कस करते हैं पाउच पैकिंग बिजनेस के बारे में। तो ये जो ऑटोमेटिक पाउच पैकिंग जो मशीन है, उसको खरीद के आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और ये जो ऑटोमेटिक पाउच पैकिंग मशीन है, इंक्लूडिंग मोटर, जो मशीन अप टू 300 ग्राम पाउच बना सकता है, तो इसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 1,20,000 रुपीज। अब डिस्कस करेंगे केक मेकिंग बिजनेस के बारे में। तो ये जो केक मेकिंग मशीन है और जो ओवन है, इसके लिए जो ओवन लगते हैं, तो ये 2 मशीन खरीद के आप केक मेकिंग बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो ये जो केक मेकिंग मशीन है, जो मशीन 50 kg तक मिक्सचर बना सकता है, तो इसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 80,000 रुपीज। और एक मशीन है जो 10 से 15 किलो मिक्सचर बना सकता है, तो इसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपीज। और जो ओवन लगते हैं, तो उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 lakhs rupees। अब डिस्कस करेंगे जेम क्लिप मेकिंग बिजनेस के बारे में। तो ये जो ऑटोमेटिक कलरफुल जेम क्लिप मेकिंग मशीन है, इसको खरीद के आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और जेम क्लिप बना के आप जो लोकल जो स्टेशनरी शॉप्स है, जो बुक स्टॉल्स है, तो वहां आप इसको सेल कर सकते हो, ऑर्डर सप्लाई कर सकते हो। तो ये जो जेम क्लिप मेकिंग मशीन है, तो इंक्लूडिंग 2 डाइज और मोटर, इसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली
110,000 rupees। आइए आप डिस्कस करते हैं कुकीज मेकिंग बिजनेस के बारे में। तो ये जो कुकीज मेकिंग मशीन है ये खरीद के आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो इसके लिए भी आपको कई सारे मशीनें लगेगी। तो जो मोटर ऑपरेटेड जो कुकीज मेकिंग मशीन है उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 7 लाख रुपीज। और जो मिक्सर मशीन लगता है जो 50 kg तक मिक्सचर बना सकता है तो इसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 75,000 रुपीज। और जो इलेक्ट्रिक ओवन लगते हैं जो 20 ट्रेज होते हैं तो उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 2,50,000 रुपीज। तो आइए दोस्तों अब डिस्कस करते हैं ट्यूबलाइट चोक मेकिंग बिजनेस के बारे में। तो ये जो ट्यूबलाइट चोक मेकिंग मशीन है ये खरीद के आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और जो हैंड ऑपरेटेड जो ट्यूबलाइट चोक मेकिंग मशीन है इसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 6,000 रुपीज। और अगर ये मोटर ऑपरेटेड खरीदना चाहते हो तो इसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 7,500 रुपीज। अब डिस्कस करेंगे साड़ी रोलिंग और पॉलिशिंग बिजनेस के बारे में। तो ये जो साड़ी रोलिंग एंड पॉलिशिंग मशीन है ये खरीद के आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ये एक लॉन्ड्री बेस्ड बिजनेस आइडिया है। तो ये जो मशीन है साड़ी रोलिंग साड़ी पॉलिशिंग जो मशीन है तो इसका इंक्लूडिंग मोटर इसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 1,75,000 रुपीज। आइए दोस्तों अब डिस्कस करते हैं फैन वेल्डिंग बिजनेस के बारे में। तो ये जो फैन वेल्डिंग मशीन है इसको खरीद के आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो ये काम। और ये जो मशीन है ये दो कंडीशन में मिलता है, एक तो बेंच मॉडल और दूसरा स्टैंड मॉडल। तो ये जो बेंच मॉडल है ये इससे आप बैठ के काम कर सकते हो। तो इसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 13,000 रुपीज। और जो स्टैंड मॉडल है जो स्टैंड मॉडल का जो वेल्डिंग मशीन है जिसे आप खड़े होकर काम कर सकते हो तो इसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 19,000 रुपीज। और ये जो पैकेजिंग एंड फिलिंग मशीन है इसका जो प्राइस है ये डिपेंड करता है इसका जो पैकेट का जो साइज है उसके ऊपर। तो जो मशीन है 100 से 300 ग्राम पैकेट्स ड्राई प्रोडक्ट्स जो पैक कर सकता है तो इसका प्राइस पड़ेगा 1,20,000 रुपीज। और जो मशीन है 100 से 300 ग्राम जो लिक्विड प्रोडक्ट जो है वो पैक कर सकता है तो उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 20 लाख रुपीज। तो आइए फ्रेंड्स अब डिस्कस करते हैं व्हीट ग्राइंडिंग बिजनेस के बारे में। तो ये जो व्हीट ग्राइंडिंग मशीन है ये खरीद के आप अपना खुद का आटा चक्की खोल सकते हो। और ये जो मशीन है ये बहुत सारे कैपेसिटी और फीचर्स में अवेलेबल है, बहुत सारे ब्रांड्स है इसका, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स है। तो इसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 6,500 to 15,000 रुपीज। और इसके कई सारे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जैसे भारत सेल्स कॉरपोरेशन, अजंता, अल्फा इक्विपमेंट। व्हीट ग्राइंडिंग बिजनेस की तरह और भी एक बिजनेस आइडिया है जो है स्पाइस ग्राइंडिंग बिजनेस। तो ये जो स्पाइस और मसाला ग्राइंडर मशीन है ये खरीद के आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जो मशीन है स्पाइस ग्राइंडिंग मशीन इसका भी कई सारे ब्रांड्स है और कई सारे फीचर्स में मिलते हैं ये। तो ये जो भारत सेल्स कॉरपोरेशन का बनाया हुआ जो स्पाइस ग्राइंडिंग मशीन है इसका कैपेसिटी है 50 kg और इसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 25,000 रुपीज। और जो इसका और एक मैन्युफैक्चरर है जो है A1 मशीनरी, तो ये 2,000 kg पर डे इसका कैपेसिटी है और इसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 85,000 रुपीज। तो दोस्तों अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बिजनेस आइडिया के बारे में हम बात करेंगे जो है बाइक वॉशिंग और जो स्कूटर वॉशिंग जो बिजनेस है उसके बारे में। तो इसके लिए आपको बाइक और स्कूटर वॉशर पंप मशीन की जरूरत होगी। तो यहाँ जिस मशीन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो है भारत मशीन स्कूटर वॉशर मशीन। तो ये बेसिकली एक हाई प्रेशर पंप है और इसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 25,000 रुपीज। तो दोस्तों आखिर में डिस्कस करते हैं फ्रूट पल्पिंग और सॉस जैम जेली मेकिंग बिजनेस के बारे में। तो ये बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो ऑटोमेटिक फ्रूट पल्पर मशीन से। और जो टोमेटो सॉस, चिली सॉस, जैम, जेली ये सब बना के आप पैकिंग करके मार्केट में सेल कर सकते हो।
तो ये जो मशीन है इसके जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है इस पर इसका जो प्राइस है वो निर्भर करता है। तो ये जो फ्रूट पल्प पर जो मशीन है जो 5 से 10 किलो फ्रूट पल्प कर सकता है एक साथ, तो उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपीज़। और जो मशीन 15 से 20 केजी तक फ्रूट पल्प कर सकता है एक साथ, तो उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 70,000 रुपीज़। और जो इलेक्ट्रिक वेट मशीन की जरूरत होती है तो उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 4,000 रुपीज़। और जो बोतल फिलिंग जो मशीन लगते हैं तो उसका प्राइस पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 25,000 रुपीज़। तो इस वीडियो में आज बस इतना ही दोस्तों। ये जो सारे 60 बिजनेस आइडिया के बारे में आज हम डिस्कस किए, तो ये सारे बिजनेस के बारे में हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे मेरे अगले वीडियोस में डिटेल में। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फ्रेंड्स। अगर पसंद आए तो एक लाइक एक शेयर जरूर कर देना मेरे वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।